आइए आज हम बनाते हैं बादाम का हलवा। तो आप सभी को पता होगा बादाम के गुण कि बादाम कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जैसा कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आइए आज हम बनाते हैं बादाम का हलवा। देखिए, बादाम को सबसे पहले हम गर्म पानी में लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे और उसके बाद हम इसको छील कर तैयार करेंगे। तो देखिए, ये बादाम हमने पहले से भिगो कर और छील कर रखे हुए हैं और अब हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेते हैं। लेकिन ये ग्राइंडिंग जार में डालकर पीसेंगे, लेकिन ये भिगो कर जरूर रखे हैं, लेकिन एक इसको तौलिया में डालकर एकदम सूखा दिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि इसको हमको सूखा ही पीसना है, कोई पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसलिए हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेते हैं। इसको हमने बिल्कुल सूखा ही पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसमें और ये बिल्कुल बारीक, बिल्कुल जैसे सूजी होती है उस तरीके का हल्के से दानेदार तैयार हुआ है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है और जितना ही हमारा बादाम है उतनी ही हम इसमें सूजी यूज करेंगे। ज़्यादा सूजी बराबर मात्रा में यूज करेंगे, सूजी का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे घी। जब बादाम का हलवा बना रहे हैं तो इसमें घी तो डालना ही पड़ेगा। तो देखिए, घी हमने इसमें 3 चम्मच डाल लिया है लगभग, घी को गरम कर लेते हैं। घी को गरम हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें सूजी डालकर भून लेंगे। तो देखिए, सूजी को एकदम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि अच्छे से भून सके सूजी। ये सूजी भुनने में आपको भी लग रहा होगा कि घी इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा घी नहीं है। बादाम के हलवे में घी की क्वांटिटी ही ज़्यादा डाली जाती है। तो देखिए, इस तरीके से इसको हल्की गोल्डन होने तक भून लेंगे सूजी को। सूजी हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है और इसी में अब हम ये बादाम डालकर भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर ही भूने। तो देखिए, बादाम डालकर भूनने के बाद, तो बादाम डालते ही इसका सारा घी सोख गया है और इस तरीके से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम बादाम को भी भून लेंगे ताकि बादाम हमारा अच्छे से भून सके, क्योंकि हमने भिगो कर बादाम डाला था। तो कितना भी हम इसमें सूखा करके भूनेंगे लेकिन हल्का सा गीला तो रह ही जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए, सूजी का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, हमने सूजी और बादाम को अच्छे से भून लिया है। तो देखिए, एक दो दूसरे में दोनों कितने मिक्स हो गए हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, कहाँ बादाम है और कहाँ सूजी है। तो देखिए, सूजी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। तो इसको हम पानी में पकाएंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल सके। देखिए, सूजी को अच्छे से फुलाने के लिए हमने 1 कप पानी डाल दिया है इसमें और इसको गाढ़ा होने तक पका लेते हैं ताकि सूजी जल्द अच्छे से फूल जाए। देखिए, सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप दूध और दूध डालकर भी इसको गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। अभी तक हमने इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पहले दूध को भी हल्का गाढ़ा कर लेते हैं उसके बाद चीनी का प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए, हलवे ने अब सारा दूध भी सोख लिया है और अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद ये हल्का सा पतला और होगा अभी, लेकिन लगातार चलाते रहें, ये बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा और चीनी भी घुल जाएगी इसमें। देखिए, इसमें चीनी भी घुल गई है
आप जितना पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं हलवे को उतना पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। तो देखिए चीनी भी हमने उसमें उतनी ही डाली है जितनी हमने सूजी डाली थी, और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार में, जितना कम या ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं। तो देखिए हमारा हलवा वापस से फिर गाढ़ा हो गया है। और अगर आपको लग रहा हो कि इस पे घी नहीं दिख रहा है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, कहते हैं जब तक हलवे में घी ना दिखाई दे तब तक हलवे का टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए हमने साइड से ही हल्का सा घी डाल दिया है, तो कितना घी दिखने लगा है इस हलवे में। हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप हल्का सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इस समय बिल्कुल परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। वैसे तो इसको सर्व करने के लिए ऊपर से किसी भी ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें बादाम कतरन डालकर सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार है गर्मा गर्म बादाम का हलवा। आप इसमें अगर फ्लेवर के लिए और कलर के लिए डालना चाहते हैं तो केसर भी का भी यूज कर सकते थे, जब हम पका रहे थे उसी समय आप इसमें केसर भी डाल सकते थे। लेकिन इस तरीके का बिल्कुल ओरिजिनल कलर का दिख रहा है ये हलवा हमारा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस सर्दियों में इस बादाम के हलवे का मज़ा लीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये हलवा बनाया या नहीं।